क्लब एनपीसी का वार्षिक महासभा और नेटवर्किंग कार्यक्रम नई दिल्ली के पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सफलतापूर्वक आयोजित हुआ। इस आयोजन में 15,000 से अधिक सदस्य उद्योग जगत के नेता और विशेषज्ञ शामिल हुए, जिन्होंने निर्माण क्षेत्र में नवाचार, ज्ञान विनिमय और भारत के बुनियादी ढांचे के विकास पर विचार विमर्श किया। प्रसिद्ध वास्तुकार प्रोफेसर चरणजीत सिंह शाह, जो एयरपोर्ट किंग ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने सभा को मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित किया। शाह ने निर्माण उद्योग में नए कौशल्य और तकनीक के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत 2047 मिशन को प्राप्त करने के लिए हमें अपने श्रमिकों को ऑटोकैड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे उन्नत कौशल्य से लैस करना होगा। यह सिर्फ तकनीक को उन्नत करने की बात नहीं है, बल्कि श्रमिकों को सशक्त बनाने की भी आवश्यकता है। क्लब एनपीसी इंडिया के अध्यक्ष योगेश जगरात्मकता ने कार्यक्रम की शुरुआत में संगठन के मूल्य पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा नेटवर्क बनाना चाहते हैं जो भारत को आगे बढ़ा सके। हम एक परिवार है जो जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा है। मिलकर हम भारत के निर्माण और बुनियादी ढांचे का भविष्य बदल सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत 2047 का ऐलान किया है, हम सब उनके साथ हैं, हमारी पूरी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री उनके साथ है। कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि हम लोगों की सोच एक जैसी है और इसीलिए हम लोग अपने देश के लिए, अपनी इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं। विकसित भारत तभी बन पाएगा, सबसे पहले हमें सबको अपने अंदर एक बदलाव लाना पड़ेगा। हमें समस्याएं समझ के उनका समाधान देना पड़ेगा, उनको दिशाएं देनी पड़ेगी, उनका विकास करना पड़ेगा। जैसा कि आपने देखा कि हमारी ये विकास की ही मुहिम, तो वो 2047 में जो होगा उसकी मुहिम हमने आज से चालू कर दी है। तो इसका आगाज ऑलरेडी हम 2 साल पहले कर चुके थे और ये निर्माण में है। तो मैम, जैसा कि आपने बोला कि निर्माण में है और अभी तक जैसा कि मैं पढ़ रहा था उसमें 12,000 से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ चुके हैं, 15,000 लोग जुड़ चुके हैं और एक मिशन है कि हम इसमें अगले कुछ सालों में 50,000 तक इसको लेकर जाएं। तो क्या मुहिम होगी, कैसे हम आम लोगों तक, गांव-गांव तक, शहरों तक, लोगों तक पहुँच के और इस मिशन के बारे में हम बताएं? सर, हमारी मुहिम का हिस्सा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हर वो इंसान है जो डिज़ाइन करता है, इसको एग्जीक्यूट करता है, उसको बनाने में हमारी मदद करता है। तो एक मजदूर या कॉन्ट्रैक्टर भी हमारा परिवार का हिस्सा है। तो हम गांव-गांव, शहर-शहर, हर जगह पहुंचेंगे। अभी भी हम तकरीबन 130 शहरों के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। तो विकसित भारत को लेकर हम जो ये मुहिम, हमारा जो आने वाला मिशन और विजन है वो यही है। सबसे पहले मैंने कहा हम अपने पे काम करेंगे, मतलब अपनी लेबर को स्किल्ड करेंगे, उनको एजुकेशन देंगे। आज आपने देखा होगा जितनी भी बातचीत हुई सब एजुकेशन के ऊपर ही हुई है। विदाउट एजुकेशन हम आगे बढ़ नहीं सकते। तो हमारी लेबर को कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। उनके वो जिस जहाँ पे काम करती हैं, चाहे वो कारपेंटर हो, चाहे वो एक राजमिस्त्री हो, चाहे वो एक पेंटर है या वो एक प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, उसको अपने काम की पूरी नॉलेज, उसका भी हम आने वाले टाइम पे हम सोचेंगे कि हम उनको कैसे सर्टिफाइड लेबर कर सकें, सो देट कि आम आदमी जब अपने घर का या अपनी दुकान या दफ्तर का निर्माण करे तो उसको ये पता हो कि मैं एक सर्टिफाइड आदमी से काम करवा रहा हूँ। तो ये मुहिम हमारी चालू है। एनबीसी न्यूज़ के लिए नई दिल्ली से मृजेश कुमार की रिपोर्ट।